हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हैं? वेरी गुड बेटा। आज हम अपना चैप्टर 5 है वो ऑक्यूपेशन, ठीक है। हमने क्या था ना ऑक्यूपेशन, उसमें हमने कल रिवाइज किया था कि ऑक्यूपेशन क्या होता है। स्वामी को उसका रिकैप करें दोबारा से, क्या है ऑक्यूपेशन? ठीक है, वो काम जिसको कि हम करते हैं और हमें क्या मिलते हैं बेटा? पैसे मिलते हैं, हम मनी अर्न करते हैं, ठीक है, और उससे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। वही क्या है हमारा ऑक्यूपेशन है। अब उसमें हमने कल देखा था कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि डॉक्टर, टीचर, ग्रीन ग्रॉसर, ठीक है। आज हम कुछ और करेंगे, ठीक है। उसमें भी क्या है, वो भी ऑक्यूपेशन में ही आते हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। यानी कि कौन कौन से काम होते हैं जिनको की करते हैं लोग और उनसे वो अपना रुपए कमाते हैं और अपनी जो बेसिक अपनी जो नीड्स होती है, जरूरतें होती है, उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो आपका चैप्टर 5 का पेज नंबर 59, ओपन कीजिए अपनी बुक, ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 59। मेरे साथ साथ आपको भी रीड करना है, ओके, चलिए करिए। तो क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या है, काम है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है। डिफरेंट ऑक्यूपेशन रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, यानी कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग टूल्स यानी कि औजार, ठीक है, अलग अलग टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, ठीक है, जरूरत होती है उनको करने के लिए काम को, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड द टूल्स यूज फॉर देम। चलिए कुछ अलग अलग ऑक्यूपेशन के बारे में जानते हैं और उनमें किन किन टूल्स का यूज होता है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले है अपना, क्या है हमारा यहाँ पर, फार्मर। आपने भी देखा होगा फार्मर का तो सबको पता है। तो फार्मर्स किन किन टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फार्मर करते क्या है, क्या काम करते हैं वो, ठीक है, क्या है उनका ऑक्यूपेशन, यानी कि फार्मर है वो क्या करता है, ठीक है। अ फार्मर ग्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द फील्ड, क्या करते हैं वो, फील्ड यानी कि आपके खेत हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं वो, सब्जियां, ठीक है, फल, ठीक, ये उगाते हैं, ठीक है। तो क्या है, अ फार्मर ग्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द फील्ड, ही यूज अ वुडन क्लब टू डिग द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड, ठीक है। क्या करता है वो, फार्मर के बारे में क्या कह रहे हैं कि फार्मर जो है वो बीज को यानी कि सीड को मिट्टी में, सॉइल में उगाने से पहले, उसमें डालने से पहले क्या करता है, उस फील्ड को, पूरी जो खेत है उसको खोदता है, ठीक है। पहले क्या करता है, उसको खेत को, जो फील्ड है उसको खोदता है और फिर उसके बाद उसमें क्या करता है, सीड डालता है, फिर क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो पौधे बड़े होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फिर उनमें फ्रूट्स, ट्रीज बनते हैं वो, फिर उनमें फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। तो आप उसमें किस चीज का, किस टूल का यूज हुआ, क्या है, वुडन प्लग, किसका यूज किया बेटा पावर ने, वुडन प्लग, देखो ये हल, ठीक है। आपको देखो इस पिक्चर में भी दिखाई दिया, अगर आपने बुक ओपन की हुई है तो ये पिक्चर है, तो आप देखोगे कि ये क्या है, दो ऑक्स है, बैल है और उन पर क्या है, ये देखो उन्होंने ये लगाया हुआ है ना लकड़ी का, वुडन यानी कि लकड़ी, लकड़ी का ये जो क्या है, ये एक क्या है, वुडन प्लग यानी कि हल बोलते हैं जिसको, वो है। और पीछे फार्मर ये अपनी स्टिक से क्या करता है, बैल को मारता रहता है, उनको आगे चलने के लिए बोलता रहता है, वो आगे चलते हैं। और जो ये वुडन प्लग है ये क्या करता है, ये बहुत बेटा नुकीला होता है इसका, देखो यहाँ से ये है ना, ये बहुत ही शार्प होता है, यहाँ से शार्प होने की वजह से क्या करता है, ये जो मिट्टी है, जो फील्ड है उसको खोदता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्किटेक्ट, क्या है आर्किटेक्ट, अब आर्किटेक्ट क्या करते हैं, ठीक है। तो एन आर्किटेक्ट प्लान एंड डिजाइन बिल्डिंग्स, जैसे अब हमने ये स्कूल बनाया या आप भी अपना घर बनाते तो सबसे पहले क्या बनता है, एक प्लान बनता है कि यहाँ पर किचन होगा घर का, अगर हम आपके हाउस का लें, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ वॉशरूम्स होंगे। तो पहले वो जो डिजाइन बनता है वो डिजाइन कौन बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है, ठीक है। ही यूज ड्राफ्ट,
स्केल, मार्कर एंड अ कंपास टू ड्रॉ द डिजाइन। तो किन किन चीजों का यूज करते हैं बेटा? वो स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। देखो ये स्केल दिखाई दे रहा है ना आपको, इनमें देखो ये नंबर्स राइट है, ठीक है। एक कंपास का यूज करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा वो इन चीजों का भी, ठीक है। ये आपके मैथ्स में आपके ज्योमेट्री बॉक्स है ना सबके पास, उसमें होंगे सबके पास, उसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे जो उनके क्या है, ये उनके टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स हैं जिनका यूज करके वो क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। और ऐसे एक मार्कर, ठीक है, मार्कर्स का यूज करते हैं उनको लाइनें लगाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है। और ड्राफ्टिंग बोर्ड, ड्राफ्टिंग बोर्ड आज जैसे किसी भी कार्डबोर्ड का या फिर चार्ट पेपर, ठीक है, जैसे देखो इस पिक्चर में देखा है आपने, ये देखो ये ले रखा है ना व्हाइट कलर का, इसी को ड्राफ्टिंग बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इस पर देखो ये अपने को टूल्स को यूज करके उस पर डिजाइन बना रहा है, ठीक है। और उन्ही डिजाइन पर फिर क्या बनते हैं, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे हाउसेस, ठीक है, ये सब बनते हैं, ठीक है, उन्ही डिजाइन को यूज करते हैं। ओके, इट्स क्लियर बेटा, अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद नेक्स्ट है प्लम्बर। अब प्लम्बर तो सबके घर में आता है ना प्लम्बर, ठीक है। कभी भी आपकी कोई टैप खराब हो गया, आपके किसी भी घर में कुछ भी नल में प्रॉब्लम आ गई, पानी नहीं आ रहा है या पानी ज्यादा निकल रहा है उसमें से, तो आप किसको कॉल करते हो? प्लम्बर को। वो आके उसको क्या करता है, ठीक करता है, ठीक है। तो प्लम्बर क्या करता है, आप प्लम्बर फिक्स एंड रिपेयर टैप्स, वो टैप्स को क्या करता है बेटा, फिक्स करता है और उनको रिपेयर करता है, एंड टैप्स एंड पाइप्स, ठीक है। ही यूज अ रेंच एंड अ स्पैनर टू डू दिस वर्क, ठीक है। किसका यूज करते हैं वो, रेंच का और स्पैनर का। स्पैनर क्या होता है, यानी कि आपकी जो पाइप है, होल होती है ना वो पाइप, तो उन पाइप को मेजर करने के लिए, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है, जिस टूल का, उसको स्पैनर बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर वेंचर, वेंचर ये टूल है जो कि जो पाइप गोल है उसमें उसको फिक्स, टाइटली फिक्स कर देता है, उसके जो स्क्रूज हैं उनको क्या करता है, वो यूज करता है जिससे कि वो खुल जाए और फिर उनको वो फिक्स करें, उनको ठीक करें, ठीक है। तो हमने क्या क्या रीड, क्या क्या पढ़ा, किस किस के बारे में जाना हमने आज ई ऑक्यूपेशन के बारे में जाना। सबसे फर्स्ट फार्मर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं ना आपके लिए फील्ड में, ठीक है। तो उसके बाद आर्किटेक्ट क्या करते हैं, ये बिल्डिंग्स एंड हाउसेस को डिजाइन करते हैं। एंड प्लम्बर, प्लम्बर क्या करता है, प्लम्बर हमारे जो घर में पाइप्स होती हैं, टैप्स होते हैं, उनको रिपेयर एंड फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे थ्री ऑक्यूपेशन, बाकी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में रिवाइज करेंगे। जिसमें भी इसको कुछ प्रॉब्लम आए, जिस भी बच्चे को, ठीक है, वो मुझसे पूछ सकता है कॉल करके या फिर टेक्स्ट करके। ओके बेटा, बाय बाय।